हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे फंक्शन। जैसे कि आप जानते हो कि फंक्शन मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द होल कैलकुलस। जिस स्टूडेंट को मतलब फंक्शन अच्छे से आता है उसको पूरे कैलकुलस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस सेट थ्योरी और रिलेशन चैप्टर की रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब जो सेट हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो पेयर्स में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहता है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो फर्स्ट सेट में से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो ए क्रॉस बी इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है जो वो ए को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए हमने मान लिया एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3, बी एक और सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3। नाउ ए क्रॉस बी हमारे पास आएगा, पेयर्स बनेंगे फर्स्ट एलिमेंट ए से सेकंड एलिमेंट बी से। तो पहले हम 1 के साथ पेयरिंग करेंगे, 1, 2, 1, 4, 1, 5। देन 3 के साथ पेयरिंग, 3, 2, 3, 4 और 3, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ए क्रॉस बी में इक्वल टू 6, जो कि किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि हमने यूज़ करना है, ठीक है, फंक्शन तक पहुंचने से पहले इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे, ओके। एक और रिजल्ट हमें जो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। ओके, लेट ए इज ए सेट ऑफ ऑर्डर एन, then number of subsets of A is equal to 2 raised to power n। अभी हम यहाँ पर सिर्फ results discuss कर रहे हैं, तो ये सारे इन results की detail है जो उसके लिए मैं अलग से video बनाऊँगा proper set theory chapter को, जिसमें हम properly cover करेंगे। तो अभी हम फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक रिजल्ट्स हैं एज ए रिजल्ट हम इनको पढ़ रहे हैं, ओके। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसके सबसेट्स बनेंगे 2 raised to power n। अगर एक सिंपल सी मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, ठीक है, कि लेट ए इज सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश, then number of subsets of A, तो अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि vowels कितने होते हैं।
तो सर सारे स्टूडेंट्स को पता है कि वॉवल्स इंग्लिश में कितने हैं, 5 ए ई आई ओ यू, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 2^5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो इसके बाद अब हम मूव करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन पर। तो रिलेशन कवर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। रिलेशन, रिलेशन क्या है? ये रिलेशन जिसको हम नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं, आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स रिलेशन क्या है, अगर दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, और जो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। जितने भी उसके सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशंस। ठीक है, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे उसका भी एक रिजल्ट हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कितना आएगा ऑर्डर, वो आएगा पी इंटू क्यू। ओके, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके, ए क्रॉस बी के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो आएंगे हमारे पास 2^PQ। और अभी हमने ऊपर क्या लिखा है कि रिलेशन क्या है, जो भी कोई सबसेट बनता है ए क्रॉस बी का वो सारे सारे के सारे सबसेट्स क्या हैं, हमारे पास रिलेशन होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो वो इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज आल्सो इक्वल टू 2^PQ, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 2^ ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इसके ऊपर कि लेट अस सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे ए टू बी। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं 8^4, 4^2 और 2^8। तो क्या आना चाहिए आंसर, अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 4, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे 2^ ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2^4 × 2, 2^8। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक अभी डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं जो कि हमें फंक्शन में यूज़ करनी है। ठीक है, और अभी लास्ट हम जो फंक्शन से पहले जो लास्ट हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कि रिलेशंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर से रब करना पड़ेगा। ओके,
दो सेट लेते हैं हम, लेट ए इज ए सेट, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और बी एक और सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लिखें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे हमारे पास 2^4 इक्वल टू 16। तो टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। तो कैसे रिलेशंस बनेंगे, कौन कौन से रिलेशंस बनेंगे, उनकी डोमेन रेंज और उनकी नेमिंग, थोड़ा उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट। अब ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले बनेगा एम्प्टी सबसेट, उसके बाद सिंगल एलिमेंट के, फिर दो दो एलिमेंट्स वाले, फिर तीन तीन एलिमेंट्स वाले, और उसके बाद चारों एलिमेंट्स का मीन्स ए क्रॉस बी के इक्वल बनेगा। तो अगर मैं लिखूं कि रिलेशंस कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहला रिलेशन अगर हम माने दैट इज एम्प्टी फाई, जिसको हम नाम देते हैं एम्प्टी रिलेशन। और वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। उसके बाद हमारे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट्स वाले बनेंगे, सिंगल एलिमेंट्स ए कॉमा 1 हो सकता है, ए कॉमा 2 हो सकता है। ठीक है, कितने बनेंगे सिंगल एलिमेंट्स वाले, सिंगल एलिमेंट्स वाले हमारे पास 4 बन जाएंगे, क्योंकि टोटल उसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं बी कॉमा 2। उसके बाद हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे, तो वो फर्स्ट टू आ सकते हैं, ए वन और ए टू आ सकते हैं, और फर्स्ट और थर्ड आ सकते हैं ए कॉमा 1 और बी कॉमा 1। तो ऐसे ही आर 8, आर 9, आर 10, 11। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा एक और चीज़ हम करें, तो ये एक है, एक बना है ज़ीरो एलिमेंट वाला, ये हमारे पास 4 रिलेशंस बने हैं, ठीक है, एक एलिमेंट के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास 6 रिलेशंस बनेंगे, 6, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2। उसके बाद हमारे पास बनेंगे यहाँ पर 4 रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, जिनके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सबके बीच में आएंगे तीन तीन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं उनको लिखूं तो मैं R12 में आएंगे 3 एलिमेंट्स, तो उसमें मान लो हमने लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ दिया, तो कौन से आगे, A1, A2, B1, B2 को हमने छोड़ दिया। R13 है, उसमें हमने सेकंड लास्ट एलिमेंट को छोड़ दिया, A1, A2 और B2 ले लिया। ऐसे ही R14 आएगा और R15 आएगा, ठीक है, मैंने स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे लिखना है R16, जो लास्ट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें सारे 4 के 4 एलिमेंट आएंगे। तो R16 को हम डिटेल में लिख सकते हैं, या मैं सिंपली R16 को क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस B। तो R16 हमारा सबसे बड़ा रिलेशन है, और R1 जो हमने लिखा है एम्प्टी, वो सबसे छोटा रिलेशन है, इसमें सबसे कम एलिमेंट्स हैं। हालांकि इनका कोई प्रॉपर नंबरिंग नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक रिलेशन को हम ऐसे नंबरिंग ही देंगे, ये मैंने अपनी तरफ से आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नंबर। देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अगर वापस मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो हमारे पास R16 एक सिंगल रिलेशन है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 4 रिलेशन आए जिनमें एक एलिमेंट है,
छः रिलेशन आए जिनमें दो एलिमेंट हैं, फिर चार रिलेशन आए जिनमें तीन एलिमेंट हैं, और एक रिलेशन आया जिसमें चार एलिमेंट हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16। ये बहुत अच्छी हमारे पास जो कॉफिशेंट्स आते हैं, ठीक है, तो x4 + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + y4, तो रिलेशन और बाइनोमियल का कंसेप्ट हम आपस में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको हम अलग से करेंगे। यहाँ पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ डोमेन एंड रेंज, हम वो डिस्कस करेंगे। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज है क्या? तो जो रिलेशन हमारे पास यहाँ लिखे हैं मैं उसके बेसिस पे ही आपको बता रहा हूँ। तो डोमेन ऑफ आर वन, अब जो भी रिलेशन है हमारे पास, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, पेयर्स में आते हैं। तो हर एक पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन बनाता है, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज बनाते हैं सारे मिलकर। तो अब R1 है, R1 तो सेट एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी अगर हम डोमेन लिखेंगे R1 की तो वो क्या आएगी, डोमेन भी उसकी आएगी एम्प्टी। और रेंज लिखेंगे तो रेंज ऑफ R1 वो भी क्या आएगी हमारे पास, एम्प्टी। फाई लिख सकते हैं या फिर हम एम्प्टी सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सारे एलिमेंट्स की नहीं लिखेंगे, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स की ही, सिलेक्टेड जो रिलेशंस हैं उनके लिए ही हम करेंगे। तो डोमेन ऑफ आर सिक्स, डोमेन ऑफ आर सिक्स अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट लिखना है ए, दो एलिमेंट हैं आर सिक्स में, लेकिन दोनों एलिमेंट्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है। और जैसा हम सब जानते हैं कि सेट में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने, तो जो एलिमेंट रिपीट होता है वो सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। तो आर सिक्स की डोमेन क्या आएगी, ए, और रेंज क्या आएगी R6 की, रेंज ऑफ R6, तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1, 2। ओके, तो वापस उसी कलर से हम लिखेंगे। तो डोमेन ऑफ R12, उसमें टोटल थ्री एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड में, जो हमने तीनों एलिमेंट्स का जो फर्स्ट, तीनों पेयर्स की बात करें, अगर तीनों पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, वो मिलके हमारे पास क्या है, डोमेन बना रहे हैं। तो ए आ गया, ए दोबारा तो नहीं लिखेंगे, तो ए कॉमा बी आएगा, और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ आर ट्वेल्व, तो वो आएगी हमारे पास 1 और 2। ओके, और लास्टली हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए। तो अगर हम लिखें डोमेन ऑफ आर सिक्सटीन, तो वो क्या आ जाएगी, ए कॉमा बी, जो कि ए सेट है, और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ आर सिक्सटीन, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 1, 2, जो कि पी सेट है। तो हम इसको एज ए रिज़ल्ट भी याद रख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन है, सॉरी, जो हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन के लिए डोमेन आएगी, जो दैट इज ऑलवेज फर्स्ट सेट आएगी। जो रिलेशन हमारा अगर ए क्रॉस बी पे है, ए टू बी रिलेशन है, तो उसकी डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट आएगी, और जो रेंज है यूनिवर्सल रिलेशन की वो ऑलवेज सेकेंड सेट आएगी। तो इसको हम एज ए रिजल्ट भी लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। ओके, थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी इसके लिए आपको मेरे को सजेशन सेंड करना चाहो तो मेरे मोबाइल पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू ऑल।